अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद्या नीला। क्लास टेंथ का टॉपिक जो आज हम मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो रैबिट के बारे में, उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपकी अब जो न्यू बुक्स हैं इसमें तो बेसिकली रैबिट के बारे में बताया गया, जो ओल्ड वर्जन था बायो का उसमें फ्रॉग को जो था उन्होंने डिस्कस किया था, मगर रैबिट के में डिस्कस हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा रैबिट जो है खरगोश, वो जानवर है जो कि दुनिया में आपको हर जगह मिल जाता है, और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा लेबॉरेटरीज वगैरह में एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रैबिट्स हो गए, माउस हो गए, इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे हम लोग पूरा के पूरा डिस्कस करेंगे, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर जो है इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है या रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट जो है हमारे पास, बेसिकली इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, या तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। एक है बेसिकली बेटा जी टेस्टिस, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्होंने के स्पर्म बनाने हैं। उसके बाद स्पर्म ने जो है वो ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो सेकंड जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो डक्ट्स आ जाती हैं। डक्ट्स कहते हैं ट्यूब्स को, जिनसे हो के जो है फाइनली जो है वो स्पर्म ने बॉडी से आउट जाना है। और थर्ड आ जाते हैं हमारे पास ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम लोग वैसे पढ़ के आए हुए हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था टेंथ में ही, कि जो ग्लैंड्स होते हैं, जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर जो ग्लैंड है उसका कोई ना कोई फंक्शन है या रोल है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। टेस्टीज हैं जिन्होंने कि स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद स्पर्म जो है वो मूव करेंगे डक्ट्स में या ट्यूब्स में, और फाइनली ग्लैंड्स जो कि स्पर्म को उनकी अफजाइश के लिए जो होता है वो ज़रूरी होते हैं। टेस्टिस जो हैं दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनके अंदर ख़ास तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनको कहा जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली बेटा वो ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म्स बनते भी हैं और मैच्योर भी होते हैं। स्पर्म जो का टॉपिक है हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है कि जब स्पर्म्स बनते हैं उनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है, और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको स्पर्म कहा जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, टेस्टिस जो हैं वो ऑर्गन है जो जिसके अंदर मिलियन की तादाद में सेमिनीफेरस ट्यूब्स होती हैं। ये वो ट्यूब्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। जब स्पर्म जो होते हैं वो बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, तो बनने के बाद ये डिफरेंट ट्यूब्स में से जो है वो गुजरते हैं। बेसिकली बेटा आप लोगों को ये टॉपिक याद करने के लिए, अगर आप फ्लो शीट की सूरत में याद करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक स्केच या फ्लो शीट की सूरत में समझा रही हूँ, स्केच की सूरत में या फ्लो शीट से ये होता है कि आप लोग इजीली याद कर लोगे। जैसे आप डक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म सबसे पहले जिस डक्ट में जाते हैं उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट तो उसको ज़्यादा पता है ट्यूब है कलेक्टिंग, क्योंकि वो रिसीव करे किसको, स्पर्म्स को। ठीक है, और स्पर्म्स कहाँ पर बने, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। एंड व्हाट आर टेस्टिस, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे फिर स्पर्म बनते हैं। ओके, सबसे पहले स्पर्म जो होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो हमारे पास एक और जो है वो ट्यूब है जिसका नाम है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में चले जाते हैं, और एपिडिडाइमस के बाद एक और ट्यूब आ जाती है जिसको वास डेफरेंस कहा जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास तीन ट्यूब्स हैं बस, जहाँ से बेसिकली स्पर्म ने गुजरना है। पहले कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस के बाद वास डेफरेंस। ये वो ट्यूब है जहाँ से स्पर्म गुजरने के बाद फाइनली जो है वो एक ट्यूब होती है जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है। यूरिथ्रा आप लोगों को टेंथ में हम लोग पढ़े, तो मैंने ह्यूमन में किडनी वाले चैप्टर में भी देखा था कि यूरिथ्रा वो ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि यूरिथ्रा जो है यहाँ पर डबल रोल कर रहा है, ना सिर्फ ये स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है बल्कि यूरिन की मूवमेंट में भी जो होता है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। तो स्पर्म जो होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हुए, एपिडिडाइमस होते हुए, वास डेफरेंस होते हुए, यूरिथ्रा, और फिर आउटसाइड द बॉडी जो होता है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, कि इनका वो रूट है जहाँ से होकर गुजर के ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं। अब ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो कि स्पर्म्स को फूड भी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक लिविंग सेल है बेसिकली बेटा, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इसकी प्रॉपर हेड होती है और टेल भी होती है। टेल के ज़रिए जो होता है ये स्विम करके जो होता है वो जाता है, और इसके हेड के बाद क्या होता है कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस होता है जो कि एग को फर्टिलाइज करेगा, एग के न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये एक सेल है, इनको एनर्जी भी चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो तीन तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इन स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग ग्लैंड्स को डिस्कस कर लेते हैं।
ग्लैंड जो आ जाते हैं वो हैं हमारे पास, एक है जी सेमिनल वेसिकल, सेकंड जो है हमारे पास वो प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है जी, क्या है? सबसे पहले सेमिनल वेसिकल है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर कॉपर्स। बेसिकली बेटा आप लोगों को फ्लो शीट याद हो जाएगी, नाम तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं। अब इसमें तो टीचर भी आपकी हेल्प आउट नहीं ना कर सकता, कि आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, मगर ये कि अगर स्केच की सूरत में करोगे तो आपको याद होगा। और बेसिकली बेटा ग्लैंड्स है तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो अगर पेपर में कुछ नहीं याद रहता आप लोगों को, एटलीस्ट ये तो याद रखो कि अगर मिसाल के तौर पर सेमिनल वेसिकल का फंक्शन भूल गया तो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सिक्रीशन, ठीक है, ये भी सिक्रीशन कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन कर रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी, ये तीनों का जो पहला काम है वो सिक्रीशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब जो स्पर्म होते हैं वो बेसिकली मिलियन की तादाद में जो होते हैं वो किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, मगर उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास ऐसा मटेरियल जिसमें के तकरीबन सिर्फ 10% जो स्पर्म होते हैं, बाकी 90% जो होता है वो तकरीबन जो है वो वाटर होता है, ये है हमारे पास, उसको कहा जाता है सीमन। सीमन असल में वो लिक्विड है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो कुछ भी नहीं, पानी और स्पर्म्स का मिक्सचर ही होता है, मगर उसमें ये होता है बेसिकली बेटा कि हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, 90% वाटर होता है और 10% जो है वो स्पर्म होते हैं, ताकि, और वाटर आपको पता है कि लिविंग सेल हैं तो इनको ज़िंदा रखने के लिए स्पर्म्स को बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड एक तो सिक्रीशन कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो सेमिनल वेसिकल है उसका ये काम होता है कि ये स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिविंग सेल है तो उनको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे ये कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, मींस के हमारे पास अगर तो ये मीडियम एसिडिक होगा सीमन का जो होता है, तो वो भी उस स्पर्म्स की डेथ जो होता है वो कॉज कर देता है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, उसको बेसिक करने में बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो यूज़ होता है, जितना भी जो सीमन मटेरियल है उसकी उसको नॉर्मलाइज कर देता है, उसकी पीएच को ना बहुत ज़्यादा एसिडिक पे जाने देता है ना बेसिक पे, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और कॉपर ग्लैंड जो होता है ये एक तो सिक्रीशन कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, लुब्रिकेशन ऑफ डक्ट्स, लुब्रिकेशन ऑफ डक्ट्स, वो ट्यूब्स जिनमें से के स्पर्म्स ने गुजरना है उनकी लुब्रिकेशन कर रहा है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि उनको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, जितना ज़्यादा वो मॉइस्ट होंगी ट्यूब उतना ही इजीली उसमें से स्पर्म्स जो है वो मूव करके आगे की तरफ ट्रेवल करके जाएंगे, तो लुब्रिकेशन ऑफ डक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कर रहा है, कॉपर्स ग्लैंड, प्लस हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो तो सिक्रीशन तो कर रहा है, प्लस वो सीमन जो है उसके उसको क्या कर रहा है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और लास्ट जो सेमिनल वेसिकल है, ये जो फर्स्ट आपके बुक में मेंशन है, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि उनको जिंदा रखने के लिए, प्लस उनको एनर्जी देते हैं ताकि वो इजीली आगे आपको फर्टिलाइज कर सके। ठीक है जी, ये हमारे पास मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।